वर्क परमिट सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग CBT स्टडी वर्क परमिट कोर्स जो ये है, इसके बारे में अपन जो वर्क परमिट WPR का टेस्ट होता है आरामको, सऊदी आरामको और भी कई जो रिफाइनरीज हैं जैसे कतर, कुवैत, बहरीन में, उनमें सब जगह इसका जो बेसिक नॉलेज अगर आपको हो जाता है तो आप ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टडी वर्क परमिट कोर्स। पर्पज़ ऑफ द कोर्स इज़ टू सर्टिफिकेट इंट्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्विपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वर्क परमिट फॉर्म्स फिलिंग आउट वर्क परमिट स्पेशल रूल्स सैम्पल टेस्ट। तो अपन इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट इसमें रिव्यू द जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर वर्क परमिट सिस्टम लुकआउट एंड होल्ड टैग लर्न टू फिल आउट ए वर्क परमिट प्रॉपरली प्रमोट कंसिस्टेंट अप्लीकेशन प्रॉपरली प्रिपेयर यू फॉर द लॉस प्रिवेंशन वर्क परमिट प्रेजेंटेशन एंड द टेस्ट एंड प्रोवाइड रेफरेंसेज इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क परमिट सिस्टम। तो सर्टिफिकेट इसमें कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सर्टिफिकेट इफ़ यू पास द लॉस प्रिवेंशन सर्टिफिकेट टेस्ट विल बी सेंड टू योर सुपरिटेंडेंट इफ दे एग्रीज दैट यू कैन इश्यू और रिसीव वर्क परमिट्स he will sign the certificate will then be sent to you you will then be certified to issue or receive work permits you must have the certificate with you when you do so the certificate is valid for 2 years and at the end of 2 years you must pass the examination again to get a new certificate to iska jo certificate agar aap isme pass ho jate hain exam mein तो आपका ये 2 साल के लिए सर्टिफिकेट होगा और ये पास होने के बाद में इंटरव्यू के लिए आपको लॉस प्रिवेंशन सुपरिटेंडेंट जो होता है उसके पास आपको भेजा जाएगा। वहाँ पे वो इंटरव्यू में पास होने के बाद में आपको वो जज करेगा कि आपको सर्टिफिकेट में कौन कौन से आपको देना है अथॉरिटी। उसके बाद में आप परमिट इशू कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, वो आपको अथॉरिटी मिल जाती है। और इसके लिए सर्टिफिकेट जो है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है हु मस्ट साइन इन एन इश्यूअर्स सर्टिफिकेट, इश्यूअर्स का सर्टिफिकेट कौन साइन करता है, द इश्यूअर्स फॉरमैन हिज सुपरिटेंडेंट द डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द इश्यूअर। इसमें ये फर्स्ट जो है द इश्यूअर्स फॉरमैन हिज सुपरिटेंडेंट हु मस्ट साइन एन इश्यूअर्स सर्टिफिकेट, तो ये इसमें होगा। फिर है हाउ लॉन्ग कैन बी ए सर्टिफिकेट बी इशूड फॉर, तो ये जो सर्टिफिकेट इशू होगा ये कितने दिन के लिए होगा, 2 ईयर्स के लिए। फिर इंट्रोडक्शन वाई वी नीड वर्क परमिट, अपने को परमिट की आवश्यकता क्यों रहती है वर्क परमिट की। इफ़ यू डू नॉट यूज़ द वर्क परमिट सिस्टम करेक्टली यू कुड केस एन एक्सीडेंट कैन किल यू और योर को वर्कर्स डैमेज इक्विपमेंट और केस FIR। पर्पज ऑफ वर्क परमिट्स यू मस्ट यूज वर्क परमिट्स वेन वर्किंग इन हैजार्डस एरिया बाई यूजिंग देम यू मेक श्योर दैट ऑल हैजार्डस एंड प्रिकॉशंस आर आइडेंटिफाइड सो दैट वर्क कैन बी डन सेफली। Using work permits prevent accidents like fires, equipment damage and injuries. They make sure issues receivers and workers communicate with each other so they what is happening and what they must do. Work permits control the work by giving people permissions to do specific work, specific equipment by using specific procedures. Work permits are written contracts. Work permits are written contracts. Work permits is an official written record of conditions and safety precautions the issue and the receiver have agreed on. It is a contract between them. It lists the minimum precautions to be taken and how each hazard must be controlled.
एंड व्हेन डू वी यूज वर्क परमिट्स, वर्क परमिट का अपन कब यूज करते हैं। वर्क परमिट ऑथोराइज स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शंस एंड रिपेयर्स वर्क, दे अप्लाई टू ऑल वर्क डन इन रजिस्टर्ड एरिया। इश्यूअर्स मस्ट इशू परमिट्स फॉर स्पेसिफिक वर्क कंडक्टेड एट ए स्पेसिफिक साइट। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिए है, इफ ए वेल्डर एंड ए मैकेनिस्ट मस्ट वर्क ऑन पंप एट द सेम टाइम, दे ईच नीड ए डिफरेंट वर्क परमिट। दिस इज बिकॉज ईच टाइप ऑफ वर्क इज स्पेसिफिक एंड इन्वॉल्व्स डिफरेंट हजार्ड्स। यानी हर काम के लिए एक अलग अलग वर्क परमिट होना आवश्यक है। कौन से काम के लिए कोल्ड परमिट चाहिए या हॉट परमिट चाहिए, और कौन से के लिए ग्रीन चाहिए, कौन से के लिए रेड चाहिए, तो वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चंस जो हैं वो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द वर्क परमिट सिस्टम। तो इसमें टू रिन्यू सर्टिफिकेट, टू मॉनिटर कॉन्ट्रैक्टर वर्क आवर्स, टू लॉन्ग एक्सीडेंट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। तो मेन इसमें होगा टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, किसी प्रकार का एक्सीडेंट है हजार्डस से उसको रोकने के लिए। फिर है वी यूज वर्क परमिट्स इन हजार्डस एरिया टू, तो इसका होगा बी श्योर हजार्डस एंड प्रिकॉशंस आर नोन। यानी वी यूज वर्क परमिट इन हजार्डस एरियाज टू बी श्योर एंड प्रिकॉशंस आर नोन। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर टू इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर यूजिंग वर्क परमिट्स। तो इसमें होगा टू कम्युनिकेट एंड कंट्रोल टू वर्क। फिर है ए वर्क परमिट लिस्ट मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस, मैक्सिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस, गवर्नमेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस, ओसा सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो इसमें फर्स्ट होगा मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्क परमिट्स मस्ट बी इशूड फॉर स्पेसिफिक वर्क एट ए स्पेसिफिक लोकेशंस। तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर इसका रिविजन देख लेते हैं। इसमें रजिस्टर्ड एरिया कॉन्टेंट हैजार्डस, रजिस्टर्ड एरिया आर वेयर हैज हाइड्रोकार्बन, फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेज और ऑक्सीजनिंग एजेंट्स आर हैंडल, स्टोर्ड और प्रोसीड इन द लार्ज इक्विपमेंट्स। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए मटेरियल दैट कैन रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस एंड रिलैक्स ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन कुड गैस एंड एक्सपोजेंस ऑफ फायर। सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इंक्लूड क्लोरीन, हाइड्रोजन परियोक्साइड एंड ऑक्सीजन इटसेल्फ। रिस्टेड एरिया एग्जाम्पल्स, रिस्टेड एरिया कौन कौन से होते हैं उसके एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसमें है पेट्रोलियम प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड पंप स्टेशंस, गैस प्लांट्स एंड टैंक फार्म्स, हाइड्रोकार्बन पाइपलाइंस एंड पाइपलाइन कॉरिडोर्स, वेल्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, लोडिंग पायर्स एंड मेरीन वेसल्स, गैसोलीन सर्विसेज स्टेशंस, एरियाज वेयर एक्सप्लोसिव एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल्स आर यूज और स्टोर्ड, एरियाज अंडर और नियर पावर लाइन्स। रेस्टेड एरिया कैन बी डिजाइन बाई डिपार्टमेंट मैनेजर्स। इफ देर इज ए क्वेश्चन अबाउट वेदर एन एरिया बी रिस्ट्रिक्टेड, द डिपार्टमेंट मैनेजर मेक्स द फाइनल डिसीजंस। लो रिस्क वर्क, लो रिस्क वर्क कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो मोस्ट वर्क डन इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन हैजार्डस बिकॉज ऑफ द लोकेशन और बिकॉज ऑफ द वर्क इटसेल्फ। वर्क परमिट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल हैजार्डस वर्क, हाउएवर सम वर्क कैन बी वेरी सेफ टू डू स्पेशली इन नॉन हैजार्डस एरिया। द इश्यूअर में डिसाइड दैट द वर्क्स लो रिस्क एंड दैट एरिया वेयर द वर्क इज टू बी डन कॉन्टेंस नो हजार्ड्स। ही कैन देन डिसाइड दैट ए वर्क परमिट इज नॉट नीडेड। लो रिस्क एग्जाम्पल्स, विजुअल इंस्पेक्शन, स्वीपिंग, क्लीनिंग नॉन हजार्डस इक्विपमेंट, सम नॉन फ्लैश फोटोग्राफी, ब्रश पेंटिंग। इफ यू आर द इश्यूअर एंड यू डिसाइड ए वर्क परमिट इज नॉट नीडेड, यू मस्ट स्टिल कंट्रोल द वर्क एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्कर्स इफ देर इज एन इमरजेंसी। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, फर्स्ट है रजिस्टर्ड एरिया रिक्वायर्ड दैट वर्क परमिट आर इशूड, एंड रजिस्टर्ड एरिया इंक्लूड
पंप स्टेशन, सीवेज प्लांट एंड वेल्स तो इसमें रिस्टेड एरिया में ही आएंगे, क्योंकि बाकी जो इसमें दे रखे हैं सेकंड थर्ड फोर्थ उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, हजार्ड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड इफ एन एरिया इज रिस्टेड हु मेक्स द फाइनल डिसीजन, द डिपार्टमेंट मैनेजर। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन कैन एन इश्यूअर डिसाइड ए वर्क परमिट इज नॉट नीडेड इन ए रिस्ट्रिक्टेड, व्हेन ही डिसाइडेड द वर्क इज लो रिस्क। इसका आंसर है एग्जाम्पल ऑफ लो रिस्क वर्क कुड इंक्लूड, इसमें आएगा आपका स्वीपिंग, विजुअल इंस्पेक्शन एंड माइनर क्लीनिंग, वर्क परमिट रिसीवरशिप। ये क्या है, वर्क परमिट रिसीवर इज ए क्राफ्ट सुपरवाइजर और क्राफ्ट्समैन हु हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय हिज डिवीजन और डिपार्टमेंट हेड टू रिसीव ए वर्क परमिट। रिसीवर आर द पीपल हु विल डू द वर्क, दे हैव टू कंप्लीट विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस रिटन ऑन द वर्क परमिट एंड दे मस्ट साइन द वर्क परमिट। सम ऑफ यू विल बी रिसीवर्स लाइक इश्यूअर्स, यू हैव ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी एट द वर्क साइट, यू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द इश्यूअर डेजिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। If the issuer is busy and work permits are needed, he can assign another person to help him. This person is called the designated representative and must be competent, understand the requirements of the work permit system and be familiar with the equipment hazards and job requirements. The designated representative can inspect the work site, make sure the equipment is ready to work on, and make sure that the gas tests are taken. However, the designated representative cannot sign the work permit, the issuer must do that. A work permit issuer is responsible for, work permit issuer किसके लिए responsible होता है, तो इसका आंसर होगा equipment और work area. फिर सेकेंड क्वेश्चन है, एन इश्यूअर हैज़ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आंसर होगा डिफाइंस सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड साइन द वर्क परमिट। थर्ड क्वेश्चन है, रिसीवर इज सीनियर क्राफ्ट्समैन, ये इसमें राइट है। फिर चौथा क्वेश्चन है, द रिसीवर्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड कंप्लाइंग विद सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड साइनिंग द वर्क परमिट। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज डेजिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव समटाइम्स यूज्ड, तो इसका राइट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा इसका, व्हाई इज डेजिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव समटाइम्स यूज्ड, द इश्यूअर मे बी बिजी एंड नीड हेल्प। व्हाट कैन द डेजिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव डू, इंस्पेक्ट द वर्क साइट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। What are the most important responsibilities of the issuer and receiver and what are they jointly responsible for? Joint responsibilities कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। Issuing a work permit is a joint responsibility between issuer and receivers. You are both responsible for identifying hazards and reducing risks. You must be sure that the work site is safe. You are both responsible for the safety of the people and equipment at the work site. Issuer's responsibilities. As the issuer, you know what the hazards are in your work area and how to work around them safely. The issuer may be working in your area for the first time and may not know that the hazards are. The most important responsibility you have is to make sure the issuer understand all hazards and the safety precautions he must take. Before you issue a work permit, you must check the receiver's certificate. Lead the receiver on a joint site inspection. You must point out all hazards and write on the work permit all safety precautions that the receivers must take. You must tell the receiver what you have written. You must get any counter signatures that are required and make sure that
एंड डिजाइन और मटेरियल चेंजेस हैव बीन अप्रूव्ड, फेलियर टू डू दिस कुड अलाउ सब स्टैंडर्ड मटेरियल टू बी इंस्टॉल्ड दैट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट. यू शुड विजिट द साइट फ्रिक्वेंटली आफ्टर वर्क स्टार्ट्स टू मेक द वर्क कंटिन्यूज सेफली. What joint responsibility do issuer and receiver share? तो इसमें होगा सेफ्टी एट द वर्क साइट. मेन मोटो इसमें सेफ्टी एट द वर्क साइट, ये इसका आंसर होगा. फिर सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट द इश्यूअर टेल द रिश्यूअर अबाउट सेफ्टी हजार्स ही मे फाइंड एट ए जॉब साइट. द रिश्यूअर मे नॉट हैव वर्क इन द एरिया बिफोर. इसका राइट आंसर यही है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंग्स मस्ट द इश्यूअर डू बिफोर इशूइंग ए डब्ल्यू पी वर्क परमिट. सो इसका आंसर होगा, चेक द रिसीवर सर्टिफिकेट एंड गेट काउंटर सिग्नेचर्स. फोर्थ क्वेश्चन है, हु गोज ऑन द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, द इश्यूअर एंड द रिसीवर. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंग्स मस्ट द इश्यूअर डू बिफोर रिसीविंग ए डब्ल्यू पी. Read the permit and agree to all conditions. Where must the receiver keep the WP after it is issued? Display at the job site or in his position. When can a receiver leave the job site? When the issuer has given permission. Joint site inspection में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं अपन. तो ए जॉइंट साइट इंस्पेक्शन इज वेन इश्यूअर एंड रिसीवर विजिट द वर्क साइट टुगेदर बिफोर ए वर्क परमिट इज इश्यूड. एट द साइट दे डिस्कस द स्कोप ऑफ वर्क, द इक्विपमेंट टू बी यूज एंड आइडेंटिफाई एंड हैजर्ड्स ऑफ रिस्क. व्हाट मस्ट बी चेक ड्यूरिंग द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन. यू मे टेक गेस्टर्स. फर्स्ट इसमें जो है वो है यू मे टेक गेस्टर्स. सेकेंड चेक द सी check to see if equipment is prepared, isolated and cleaned. Third, do you need to install lock and hold tags, put up barricades or warning signs or inspect tools, excavation scaffolds. Fourth point, can heavy equipment be safely used. Fifth point, do you need to use special equipment or procedure like for handling asbestos. Six, should works used wear PPE. PPE मतलब personal protective equipment. 7. Do you need fire watch or standby man. Remember that each job is different. You may final other things you need to check during the joint site inspection. For some jobs the issuer may decide not to have a joint site inspection. To do this the work must be extremely low risk. अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गोज ऑन जॉइंट साइट इंस्पेक्शन. इश्यूअर एंड रिश्यूअर दोनों जाएंगे. सेकेंड, व्हाट इज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन. स्कोप ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड. फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वुड द इश्यूअर मेक श्योर इक्विपमेंट हैज बीन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर मेंटेनेंस वर्क. During the GSI it means joint site inspection. Fourth question, why do receiver go on the joint site inspection with issuer? To discuss hazard and risks. A fire watch must be assigned anytime work is done where a fire could occur. Examples, when working on or near in service hydrocarbon equipment, doing a hot top welding, working near combustible materials or working near open shower or pumps. You may also need a fire watch when a release of hazardous liquids or gases permit is issued. Fire watch, who is he? Fire watch kon hota hai aur uska kya role hota hai?
उसके बारे में भी क्वेश्चन WPR के टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो उसका भी इसमें देख लेते हैं अपन। द फायर वॉच इज यूजली एज एन ऑपरेटर बट ही कुड बी फ्रॉम मेंटेनेंस और ए कॉन्ट्रैक्टर इफ द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फोरमैन एग्री। एनी फायर वॉच मस्ट हैव हैड ए फायर लॉन्ग एंड नाउ हाउ टू यूज इक्विपमेंट लाइक एफी और होशेज एंड ही मस्ट नो हाउ टू रिपोर्ट ए फायर। ही मस्ट चेक द वर्क साइट टू मेक श्योर ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन लाइक कवरिंग शेवर्स और प्लेसिंग फायर ब्लैंकेट्स एंड दैट एफी आर रेडी टू यूज। ही शुड ऑल्सो स्टे एट द साइट आफ्टर हॉट वर्क इज फिनिश टू मेक श्योर ऑल इग्निशन सोर्स आर आउट। अब स्टैंड बाई मैन का, स्टैंड बाई मैन का क्या रोल है? द इशू में रिक्वायर स्टैंड बाई मैन, ही डज दिस व्हेन ही सी द नीड फॉर ए पर्सन टू बी एट द जॉब साइट टू असिस्ट समवन इन डूइंग द जॉब। ही मे आल्सो बी नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशल स्किल्स ही हैज। स्टैंड बाई मैन हु इज ही? He may be supervisor who stand by during work on organized electrical equipment or an operator who stands by during work on a critical instrument loop in case it must be put on bypass. He could also be a specialized technician who stands by during the startup of a new piece of equipment. The issuer must make sure the standby man knows exactly what he is accepted to do. Question hai, when a fire watch be assigned? Whenever a fire could occur. The second question is, what would the issuer require when welding or in service hydrocarbon equipment? Iska answer hai fire watch. Third question is, what must the fire watch be? What must the fire watch be trained? Fourth question, a fire watch has to know how to operate fire equipment given to him. Equipment preparation. Prepare equipment. Before your work on a place of equipment, the issuer must make sure the equipment is safe to work on. He must shut down isolated end the equipment. Then he must drain any hazardous materials from and make sure it has been purged or cleaned. The order in which the operator does these things depend upon the type of equipment he is preparing. Usually equipment is shut down and isolated first. Equipment is depressurized or de-energized to make sure hazardous materials or electricity cannot injure him or his co-workers. Then equipment must be cleaned or purged. Shut down and isolate, depressurized or de-energized, clean or purge. Equipment isolation. Why do we isolate equipment? What do we isolate and how do we isolate it? Isolation. Why isolate? You isolate equipment to make sure it cannot start up, turn more, leak or case an electric shock. Isolating equipment also prevent the unexpected release of energy or hazardous materials. Injured or killed if a valve leaks or is accordingly depend, dangerous materials may be released into a confined space or to the atmosphere. If you don't isolate equipment correctly, a terrible accident or fire could happen. Therefore, before you issue and receive any permit, you must make sure that equipment is isolated. Here are some examples of the equipment that he should isolate.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट, एयर और गैस ऑपरेटेड सिस्टम, व्हीसल्स व्हीसल्स पाइप्स एंड कन्फाइंड स्पेसेज। हेयर आर सम मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग इक्विपमेंट। फर्स्ट है इंस्टॉल ब्लाइंड्स, सेकेंड रिमूव पाइपिंग, थर्ड क्लोज एंड चेन वॉल, फोर्थ ओपन इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स, फिफ्थ रिमूव फ्यूजेज और डिस्कनेक्ट लाइटिंग वायरिंग। ब्लाइंड्स आर मेटल प्लेट्स दैट आर इंस्टॉल्ड इन ए पाइपलाइन और इक्विपमेंट द प्रिवेंट लिक्विड्स और गैसेज फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद पीपल। यूज ब्लाइंड्स टू आइसोलेट ऑपरेटिंग इक्विपमेंट सच एज टैंक्स, व्हीसल्स, पंप्स, कंप्रेसर्स एंड पाइपलाइंस। रिमूव पाइपिंग, समटाइम्स ए सेक्शन ऑफ पाइपिंग कैन बी रिमूव टू आइसोलेट इक्विपमेंट। चेन वाल, यू चेंज टू प्रिवेंट वाल फ्रॉम बींग ओपन बाई एक्सीडेंट। इलेक्ट्रिकल, ओपन ब्रेकर टू आइसोलेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आल्सो क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियंस कैन डिस्कनेक्ट वायरिंग और रिमूव फ्यूजेस इट इफ ब्रेक्स कैन नॉट बी लॉक्ड इन द ओपन पोजिशन। देन प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट फॉर मेंटेनेंस वर्क, द इश्यूअर मस्ट मेक श्योर इट इज आइसोलेट रिपेयर्ड एंड सर्टिफाइड, इलेक्ट्रीफाइड, आइसोलेटेड एंड शट डाउन, डी एनराइज्ड विद द पावर टर्न्ड ऑन एंड शट डाउन, आइसोलेट एंड डी एनराइज्ड। तो इसमें फोर्थ शट डाउन आइसोलेट एंड डी एनराइज्ड आंसर इसका है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, ए नॉन फ्लेमेबल मेटल्स कॉमनली यूज टू पार्स प्रोसेस इक्विपमेंट इट्स फोर्थ नाइट्रोजन। फिर थर्ड क्वेश्चन है, टू कॉमन मेथड्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस इक्विपमेंट मेथड्स, इसका आंसर है वाटर वॉशिंग एंड स्टीमिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, इक्विपमेंट इज आइसोलेटेड टू मेक श्योर इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अप, लीक और केस इलेक्ट्रिक शॉक। तो फर्स्ट इसका ये आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज टू मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग इक्विपमेंट, रिमूव पाइपिंग एंड इंस्टॉल ब्लाइंड्स। आइसोलेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लॉक एंड टैक्स, अभी लॉक एंड टैक्स ये क्या होते हैं, लॉक्स, इंस्टॉल लॉक्स टू मेक श्योर ए ब्रेकर कैन नॉट बी क्लोज, ए वाल्व ओपन और एनी मेथड ऑफ आइसोलेशन चेंज। द प्रिवेंट एक्सीडेंटल स्टार्टअप ऑफ इक्विपमेंट वाइल वर्क इज इन प्रोग्रेस टैक्स, टैक्स। एक्सप्लेन वाई यू इंस्टॉल ए लॉक, यू मस्ट स्टिल फिल आउट टैक्स कंप्लीटली एंड साइन देम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन मस्ट नो वाई योर लॉक्स एंड टैक्स आर इंस्टॉल्ड। लॉक्स एंड टैक्स सीक्वेंस, बिफोर इशूइंग और इश्यूइंग ए वर्क परमिट यू मस्ट आइडेंटिफाई ऑल लोकेशन वेयर लॉक्स एंड टैक्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड। ऑपरेशंस मस्ट इंस्टॉल देयर लॉक्स एंड टैक्स फर्स्ट, देन वन क्राफ्टमैन फ्रॉम ईच क्रू हु विल वर्क ऑन द इक्विपमेंट मस्ट ऑल्सो इंस्टॉल हिज लॉक एंड टैक्स। लॉक्स एंड कीज, देर मस्ट बी ओनली वन की फॉर एवरी लॉक यूज्ड। इन दिस वे द ओनली पर्सन हु कैन ओपन द लॉक इज द पर्सन हु इंस्टॉल इट। आफ्टर लॉक्स आर इंस्टॉल्ड एंड बिफोर वर्क स्टार्ट्स द इश्यूअर मस्ट टेस्ट ईच आइसोलेटिंग डिवाइस सच एज डिस्कनेक्ट स्विच और वाल्व टू मेक श्योर इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड। यू डू दिस बाई मूविंग इट अगेंस्ट द लॉक, लुकआउट क्लिप और चेन टू इंश्योर दैट द इक्विपमेंट कैन नॉट स्टार्ट और द वाल्व कैन नॉट बी ओपन। यू मस्ट ट्राई टू स्टार्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट द फील्ड स्विच। लॉक्स एंड टैक्स, मल्टीपल लॉकआउट क्लिप्स, मल्टीपल लॉकआउट क्लिप्स, दिस अलाउ सेवरल लॉक्स एंड टैक्स टू बी इंस्टॉल्ड एट द सेम टाइम। क्वेश्चंस, इंस्टॉलिंग लॉक्स एंड टैक्स ऑन इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स प्रिवेंट एक्सीडेंटल, तो इसका आंसर होगा स्टार्टअप इक्विपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू वी इंस्टॉल टैक्स एज वेल एज लॉक्स,
to explain why the lock is installed. Third question is, who from the work crew install lock? One member from each work crew. When operators change shifts, the new operation supervisor reviews all isolated equipment. He must also review the locations of locks and tags. Operations locks and tags may be left installed between shift changes. The key to operations locks may also be transferred to the new shift. This only applies to operations locks and tags as shift change. Shift changes craftsman. When craftsmen change shifts and the work must continue, they may remove their locks and tags when they leave. But then the oncoming shift must install their own locks and tags at the same locations before they start work. Alternatively, when craftsmen change shifts and the work must continue, they can leave their locks in place. When they do this, the keys for their locks are transferred to the new craftsman. The new crafts foreman or supervisor must review each locked locations. He can then install new tags or sign the old ones and leave them in place. Questions. The issuer must try to start up equipment at the field switch after it has been isolated and before work starts to make sure it cannot accidentally start. Second question is, what happened to the operations locks and tags installed on equipment when operators change shifts? Answer, the keys are usually transferred to the new shifts. Locks and tags removing crafts locks and tags. Locks and tags procedure J6.012 gives the minimum requirements for isolation equipment and installing locks and tags. Only the basics have been presented. You must check to see if your organization has other locks and hold tags work procedure that you must also use. Check J6.3012 and read. Questions. Who should be the first organization to install locks and tags? Operations.